बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं रसमलाई सेवैयाँ। इसके लिए मैंने ली है 1 कप सेवैयाँ, और रसमलाई बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप फुल क्रीम दूध, 2 टेबलस्पून जाएगा मैदा, 2 टेबलस्पून जाएगी सूजी, और हमने ये 1 अंडा बीट करके रखा है, इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और 2 टेबलस्पून ही जाएगा घी। ये लेवल करके हमने 2 कप फुल क्रीम दूध लिया है, इसको अब एक बाउल में डाल लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे 2 टेबलस्पून सूजी इस तरीके से, और 2 टेबलस्पून ही जाएगा मैदा। ये बिल्कुल लेवल करके ले लें, भर भर के नहीं, और 2 टेबलस्पून ही जाएगा घी। ये भी इस तरीके से लेवल कर लें। अंडा हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको भूनते जाएंगे। ये रसमलाई बनाने के लिए हो रहा है पहले काम, फिर हम 2 किलो दूध डालकर इस तरीके से पहले हम 2 टेबलस्पून डालते हैं और इसको भूनते हैं। सारी रसमलाइयाँ हमने बना ली हैं और दूध हमने चूल्हे पे चढ़ाया हुआ है 2 किलो। पहले हम उसमें डालेंगे सेवैयाँ और उसको अच्छी तरह पकाएंगे। जब सेवैयाँ पक जाएंगी तो फिर रसमलाई डालेंगे, और बाद में खोया, और ये गार्निश के लिए ये काजू, पिस्ते, बादाम हमने काट के रखे हुए, ये डालेंगे। ये दूध हमने चढ़ा दिया, अब इसको हम इतना पकाएंगे कि तकरीबन ये 1 गिलास कम हो जाए और गाढ़ा हो जाए। सेवैयाँ दूध जब पका तो हमने सेवैयाँ डाल दी थी, जो 1 प्याली हमने सेवैयाँ ली थी, उसके बाद जो रसमलाइयाँ हमने बना के रखी थी वो डाली, और इसमें 1 कप चीनी डाल के इसको हल्की आँच पर पका रहे हैं। जब ये थोड़ा अपना रंग चेंज कर लेगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो ये तैयार है। अब इसमें डाल रहे हैं हम खोया, ये तैयार हो गई है बिल्कुल। ये 1/2 कप खोया है, तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा तोड़ के डालिएगा, और इसको 2 मिनट आप पकाएं, बस इनका जायका मीठा हो जाए बस। अब इसमें हम डाल रहे हैं बादाम, पिस्ते पहले डाल रहे हैं, और ये मैंने काटे हुए बादाम इन्हें थोड़े थोड़े डालेंगे, और ये है काजू, इनको मैंने आधा आधा हाफ कर लिया है, इनको कटिंग नहीं किया, हाफ हाफ कर लिया, इस तरीके से मैं रख दूँगी। और ये इसको हम अच्छी तरह से गार्निश करेंगे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें कि कोई कमी पेशी है मेरे पकाने में, या आपको कोई बात अच्छी लगती है तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश रखे, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।